लोक चित्रकला क्या है? तो लोक चित्रकला एक संस्कृति का दर्पण है, यानी कि क्या है, उस संस्कृति के बिलीफ क्या है, उस संस्कृति का रहन सहन क्या है, उस संस्कृति में किस चीज को ज्यादा महत्व दिया गया है, इन सारी चीजों का जिसमें जिसमें समन्वेश है उसको लोक चित्रकला कहा जाता है। तो ये लोक चित्रकलाएं हमें भारत के हर एक राज्य में दिखाई देती है। ये एक मानचित्र है हमारे भारत का, जहाँ पे अलग अलग राज्यों की चित्रकलाओं को हमने दर्शाया है, जैसे कि महाराष्ट्र में चित्रकथी है, वारली पेंटिंग्स है, तमिलनाडु में तंजावर है, केरला में केरला के भित्ति चित्र है, गुजरात में मातानी पछेड़ी है, मध्य प्रदेश में जैसे कि हमने देखा गोंड है, फिर हम आगे जाएं तो उत्तराखंड में ऐपन आर्ट है। तो ऐसे अलग अलग हर एक राज्य की विशेष चित्रकला है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो वहाँ पे संगा का आर्ट करके एक आर्ट फॉर्म है, जो कि तिब्बती शैली में जो है बुद्धिज्म की कहानियां दर्शाता है। तो हर एक राज्य की इतनी सुंदर हमें विशेषताएं चित्रकलाओं में दिखाई देती है। तो अभी हम कुछ रोचक कहानियां सुनेंगे भारतीय लोक चित्रकला के बारे में। तो आप ये स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं, ये मधुबनी शैली का चित्र है, और मधुबनी भी आजकल बहुत ही लोकप्रिय चित्रकला है, पर मधुबनी चित्रकला में भी मैथिली चित्रकला जो है वो सबसे आदिम चित्रकला मानी जाती है, और उसका उद्गम कैसे हुआ था इसकी बहुत ही रोचक कहानी है। अभी हमें सबको पता है कि सीता का एक नाम मैथिली भी है, ऐसा कहा जाता है कि मैथिली राज्य की राजकुमारी जो है वो सीता है। तो सीता और प्रभु राम जी का जब विवाह हुआ तो विश्व भर से बहुत सारे लोग आए थे उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको वो विवाह देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर वहां के लोक कलाकारों ने क्या किया, उन उन विवाह प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से ढालना शुरू किया, और इससे जन्म हुआ मिथिला चित्रकारी का। तो मिथिला में जो मेन एलिमेंट है वो सीताराम विवाह ही होता है ज्यादातर। अभी वो बहुत फैल गया है, मधुबनी के ही 5 प्रकार है अभी, पर मैथिली जो चित्रकला है यानी कि रामायण के काल से वो चित्रकला हमें दिखाई देती है, और रामायण के फिर अलग अलग प्रसंग उस चित्रकला में हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हम मधुबनी ये जगह की बात करें तो अगर कभी आप वहां पे जाए तो आप देख सकते हैं वहां पे स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, वो भी मधुबनी चित्रकला में उन्होंने उस स्टेशन को सजाया है। हमें ट्रेन पर भी मधुबनी चित्रकला की जो छाप है, एक विशेष ट्रेन वहां पे चलती है उस पे दिखाई देता है। तो ये है मधुबनी। फिर आते हैं कलमकारी। कलमकारी ये जो लोक चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है, और ये कहाँ से उद्गम हुआ है इस चित्रकला का? इस चित्रकला का उद्गम हुआ है श्री कालहस्तीश्वर से। कालहस्तीश्वर ये जगह आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण भारत में भगवान शिव की 5 विशेष मंदिर है। ये 5 विशेष मंदिर 5 तत्वों को दर्शाता है, जिसमें से कालहस्तीश्वर ये जो मंदिर है ये भगवान शिव के वायु तत्व को दर्शाता है। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण भगवान शिव की अर्चना प्रार्थना करने आते थे, पर ऐसा था कि भगवान शिव के बारे में जो भी साहित्य अवेलेबल था वो या तो तेलुगु भाषा में, संस्कृत भाषा में अवेलेबल था, पर कुछ भक्तगण ऐसे भी थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर हमें इसके बारे में, हमें हमारे भगवान की लीलाओं के बारे में अगर पता चले तो कितना बढ़िया होगा। तो फिर उससे इस चित्रकला का जन्म हुआ। उन चित्रकारों ने शिव पुराण की कथाएं कपड़े पे चित्रित करना शुरू किया, और ऐसे जन्म हुआ है कलमकारी का। कलमकारी का ये जो नाम है ये मुगल आने के बाद कलमकारी पड़ा है, इससे पहले इसका नाम था व्रातपणी। व्रातपणी मतलब कपड़ों पे चित्र निकालना। और ये जो है इसकी विशेषता ऐसी है कि ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा, उस कपड़े पर चित्र बनाने से पहले वो कपड़ा 12 बार बहते पानी में धोया जाता है, उसको
जो है भैंस के दूध दूध में 12 बार भिगो के उसको फिर धोया जाता है, उससे वो कलर जो है वो एकदम पक्के उस इस पे बैठते हैं कपड़े पे। और अगर ऑथेंटिक कलमकारी का कपड़ा अगर आपको पहचानना है तो उसका स्मेल लेके देखिए, थोड़ा सा उसमें दूध का आपको स्मेल आएगा। अगर वो दूध का स्मेल आ रहा है यानी कि वो ऑथेंटिक कलमकारी है, ये आप बोल सकते हैं। कलमकारी का और एक डेवलपमेंट हुआ है मुगल आने के बाद। मुगल आने के बाद कलमकारी कलमकारी में मछलीपट्टनम कलमकारी का एक प्रकार आ गया, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग जो अभी होती है, लकड़े के ब्लॉक्स होते हैं उस पे जब प्रिंट की जाती है तो उसको ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। वो जो लकड़े के ब्लॉक होते हैं वो कपड़ों पे प्रिंट किए जाते हैं, तो इसमें मुगलों का बहुत बड़ा योगदान है। मुगलों ने क्या किया, इसमें जो भी डिवाइन एलिमेंट था वो सारा निकाल दिया, क्योंकि हमारे मंदिर तो उन्होंने तोड़े ही, पर उनको डिवाइन एलिमेंट कहीं पे भी नहीं चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, सारे उन्होंने निसर्ग के एलिमेंट लिए, सारे नैसर्गिक तत्व लिए और उनसे उन्होंने वो कलमकारी को डेवलप किया। पर उसकी एक अनोखी बात ये थी कि जो कलमकारी करने वाले कलाकार थे, भले वो बाद में इस्लामीकरण हुआ हो उनका, पर उनकी जड़ें जो थी वो हमारे सनातन धर्म में ही थी। तो ऐसे वहां पे भी हमें हमारे सनातन के मोटिव हमें देखते हैं, जैसे कि हम आजकल कहते हैं कि ताजमहल पे स्वस्तिक बनाया है, कलश बनाया है, क्योंकि क्या है, कलाकार तो वही है, इसी मिट्टी के कलाकार है, उन्होंने ही वो कला को डेवलप किया है। ये कलमकारी का विशेष महत्व है। तो कलमकारी ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक विशेष कलम रहती है जो रंगों में डुबाकर चित्र निकाले जाते हैं, इसके लिए उसको कलम से की हुई चित्रकारी, इसके लिए इसको कलमकारी कहा गया। आगे बढ़ते हैं पट्टचित्र की ओर। पट्टचित्र ये ओडिशा की बहुत ही सुंदर लोक कला है। अभी इसके बारे में ये विशेषता है कि भगवान जगन्नाथ जी जब स्नान पूर्णिमा होती है तो ये मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा में स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आता है, ज्वर आता है, और उन 15 दिनों में उनको बहुत सारी औषधियां दी जाती है, पर उन 15 दिनों में उनका दर्शन नहीं हो सकता। फिर भक्तगण क्या करते हैं, जो गर्भगृह होता है जगन्नाथपुरी मंदिर का, वहां पे एक बहुत बड़ा चित्र लटकाया जाता है। उस चित्र पे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी जो है वो अंकित किए होते हैं, और ये सारा जो चित्र है इस चित्र की तब पूजा की जाती है, इसीलिए इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। यानी कि यहाँ पे चित्रकला को पूजा जा रहा है। उसके बाद अगर हम पट्टचित्र की बात करें तो ओडिशा में ही जगन्नाथपुरी के नजदीक एक गांव है रघुराजपुर गांव। रघुराजपुर गांव में जो है वो पूरा गांव ही कलाकारों का गांव है। तो ये पट्टचित्र जो है ये एकदम अद्भुत लोक चित्रकला है। इसमें ओडिशा का जो सांस्कृतिक महत्व है वो हमें दिखाई देता है, और पट्टचित्र जो है मूर्ति शास्त्र के बहुत ही नजदीक जाने वाली चित्रकला है। चित्रकथी ये कोंकण महाराष्ट्र की एक चित्रकारी है। पिंगुड़ी गांव है कोंकण में सिंधुदुर्ग के नजदीक। यहाँ पे ठाकर आदिवासी एक कम्युनिटी थी, आदिवासी लोग थे, ये जंगल में रहा करते थे, और रामायण महाभारत की जो है जो उनका वर्जन था रामायण महाभारत का, उसके वो चित्र बनाते थे। वो चित्र कहाँ किस पे बनाते थे, वो पत्तों पे चित्र बनाते थे। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण में आए, उनको सिंधुदुर्ग का फोर्ट बांधना था, तब वो जंगल से जा रहे थे, तब उन्होंने रामायण की कुछ कथाएं सुनी और वो देखने गए कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो जब उन्होंने देखा तो वहां पे कुछ कथाकार चित्रों के माध्यम से रामायण की कथा सुना रहे थे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये बोले कि ये हमारे भक्ति का या पूजा का एक माध्यम है जो हम यहाँ पे कथाएं गा रहे हैं। तो उन्होंने वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कला को राजा श्रेय दिया। उन्होंने पहली बार उन लोगों को कागज दिया और उन्होंने फिर कागज से वो चित्र बनाना शुरू किया। तो जब कागज से वो चित्र बनाना शुरू किए तब
उनके अलग अलग ग्रंथ थे, उनको सब उन्होंने चित्रों में ढाला, और एक उनका जो समूह बन गया उसको वो पोथी कहते हैं। ये कथाकार कोई अगल मंगल कार्य है तो वहां पे जाता है और इन चित्रों के जरिए रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाता है, और इसी इसी चित्र को ये चित्रकथी कहते हैं। इन्होंने शिवाजी महाराज के लिए गुप्तहेर का भी काम किया, यानी कि गुप्तचरों का भी काम किया। तो इससे ये चित्रकार जो है वो पैठण में, कोस्टल कर्नाटका में चले गए। इसके लिए हमें चित्रकथी जो है पैठण में, यानी कि मध्य महाराष्ट्र में और कोस्टल कर्नाटका में भी दिखाई देती है, पर उसका एक अलग वर्जन वहां पे हमें चित्रकथी में दिखाई देता है। चित्रकथी में चर्म चित्रकारी चित्रकथी भी होता है। चर्म चित्रकथी क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, एक पर्दा होता है और पीछे से मसाले जलाई जाती है, और जो चमड़े से चित्र बनाए जाते हैं उनको ऐसे नचाया जाता है पर्दे के पीछे पीछे से, उसको चर्म चित्रकथी कहते हैं। माता ही पछेड़ी एक भक्ति का अनूठा एक उदाहरण है। गुजरात में 64 देवियों की बहुत ही बड़ी मान्यता है, और 64 देवियों की मान्यता मतलब इनका एक कम्युनिटी है जो इनको बहुत मानती है, और ये 64 देवियां 64 योगिनियों का ही रूप माना जाता है। तो ये गुजरात, कुछ राजस्थान ऐसे भागों में ये माताएं हैं, जैसे कि विषत माता, बहुचराजी, ऐसी मेलिडी माता, इनका बहुत ही महत्व है। तो वाघेरी समाज है गुजरात में, उनको मंदिर प्रवेश वर्जित था। अगर उनको दर्शन करना है तो वो बाहर से ही, मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर सकते थे, मंदिर में आना वर्जित था। तो इस समाज का जो मुखिया था, उन्होंने ये रास्ता ढूंढ के निकाला कि ठीक है, अगर हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते तो हमने जो चित्र बनाए हैं ये माता को समर्पित करें। तो ये इस बात के लिए तो सारे मान गए, और फिर माता की अलग अलग लीलाओं को कपड़ों पे चित्रित करना शुरू हुआ, और ये कपड़े जो है माता के विग्रह के पीछे लटकाए जाते थे, इसके लिए उसको मातानी पछेड़ी कहा जाता है। इसको गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है। इनको जो है, इन कलाकारों को अभी की तारा कहा जाता है। पिछवाई की भी बहुत ही रोचक कथा है। जब गोवर्धन नाथ जी, जो एक वल्लभ संप्रदाय था, उनके आदि देवता थे, अधिष्ठान देवता थे, उस मंदिर पर औरंगजेब ने तोड़ने का एक ऑर्डर दिया, उस मंदिर को तोड़ने का। तब जो मूर्ति थी उस मूर्ति को बैलगाड़ी में पूरा पैक करके ले जाया गया। तो ये जो मूर्ति थी, वहां से जहाँ पे भी जो भी बीच में रास्ते में राजा मिलते थे, उनसे अनुमोदन किया जाता था कि आप इस मूर्ति को रखेंगे क्या, इस मूर्ति की पूजा पूजा के लिए आप सहाय करेंगे क्या, तब सारे जो है राजाओं ने उनको नकार दे दिया, क्योंकि सारे जो है मुगलों की दहशत से डरते थे। और ये जो है, ये कथा बड़ी रोचक है, जो डॉक्टर मीनाक्षी जैन की फ्लाइट ऑफ बेबीज एंड रीबर्थ ऑफ टेंपल में भी बताई गई है, कि वहां से बैलगाड़ी में ये जो है गोविंद गोविंदनाथ जी को लाया गया, और आगरा से लेके फिर मेवाड़ तक ये बैलगाड़ी आई। तो हर रोज उसकी पूजा होती थी, मुगलों के नाक से नीचे उसकी पूजा होती थी, बट जब मेवाड़ के नजदीक आई तो वो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। तो पुजारियों को लगा कि शायद ये भगवान की मंशा है कि उनको यहीं पर रहना है। तो वहां के जो राजा थे उनको पूछा गया, क्या आप इनको रखेंगे? तो उन राजा ने मान्यता दे दी और भगवान के लिए बहुत ही सुंदर मंदिर बना दिया, और वहां पे उनकी स्थापना हुई। और वहां पे जब उनकी स्थापना हुई तो उनको श्रीनाथ जी कहा गया। श्रीनाथ जी जैसे ही वहां पे उनकी स्थापना हुई, बहुत सारे कलाकारों ने अपनी भक्ति प्रदर्शन के लिए कृष्ण लीलाओं को जो है चित्रित करना शुरू किया, और ये श्रीनाथ जी को समर्पित करने लगे। तो यही चित्र श्रीनाथ जी के विग्रह के पीछे लटकाए जाते थे, इसीलिए उसको पिछवाई भी कहा जाता है। आगे आते हैं हम भित्ति चित्रकला की ओर। भित्ति चित्रकला जो है ये भारत का बहुत ही
भारत की चित्रकला का बहुत ही विशेष अंग है। और भित्ति चित्रकला हमें कौन से राज्यों में दिखाई देती है? तो महाराष्ट्र की अजंता और एरोला की गुफाओं में हमें भित्ति चित्र दिखाई देते हैं, केरल के मंदिरों में हमें भित्ति चित्र दिखाई देते हैं, तंजावर के मंदिरों में, तंजावर के राजवाड़ों में हमें भित्ति चित्र दिखाई देते हैं, कोकण के कुछ मंदिरों में हमें भित्ति चित्रकला दिखाई देती है। तो ये भित्ति चित्रकला जो है, और मध्य प्रदेश के भी कुछ महलों में या कुछ मंदिरों में हमें, जैसे कि ओडिशा में कुछ मंदिर है जहाँ पे भित्ति चित्र बनाए गए हैं। भित्ति चित्र जो है उस वक्त की संस्कृति को भी दर्शाता है, उस वक्त के जो मुख्य लोग थे उन्हें भी दर्शाता है, और बहुत ही रोचक ढंग से ये चित्र बनाए जाते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज ये लोक चित्रकला हमें कपड़ों पे दिखाई देती है, कुछ लैम्प शेड्स बनाए जाते हैं, DIY करके आजकल जो कंसेप्ट है उसमें इन चित्रकला उसमें इन चित्रकला का प्रभाव है। कुछ भित्ति चित्र बनाए जाते हैं जो ये लोकल चित्रों से प्रभावित होते हैं।